हे दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल स्टॉक मार्केट इंडिया। आप अगर चैनल में नया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना फॉर द जेन्युइन इन्फॉर्मेशन, और आपका कोई क्वेरीज है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। तो दोस्तों, आज है 17 अगस्त 2021। बात करेंगे यहाँ पे पांच शेयर के ऊपर, डिक्सॉन, विप्रो, इन्फोसिस, वेदांता एंड साथ में ट्राइडेंट। ये पांच शेयर के ऊपर एक साथ मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा एक ही वीडियो के अंदर, क्या क्या न्यूज़ है, कुछ कुछ शेयर में एनालिसिस भी करूंगा। तो प्लीज़ वीडियो को बिना स्किप के पूरा अंत तक देखना ताकि आपको अच्छे से समझ आए। तो दोस्तों, आपके पास अगर ट्रेडिंग करने के लिए डीमैट अकाउंट नहीं है तो एंजल ब्रोकिंग जैसे बड़े प्लेटफॉर्म में आप डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं, जहाँ पे आपका ब्रोकरेज फीस ना के बराबर लगता है और अकाउंट ओपनिंग फीस बिल्कुल ही जीरो है। लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आपको सिंपली ये चार चीज को तैयार रखना है, आपका आधार कार्ड, आपका पैन कार्ड, एक कैंसिल चेक और आपका सिग्नेचर, और आधे घंटे के अंदर आपका डीमैट अकाउंट ओपन हो जाएगा। तो दोस्तों, आज 17 अगस्त 2021, यहाँ पे पांच शेयर के ऊपर हम अपडेट देंगे आपको, एक एक करके चलिए यहाँ पे डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे विप्रो लिमिटेड। तो दोस्तों, आज मार्केट के ऊपर तो आईटी सेक्टर का पूरा राज चला, चाहे छोटे से छोटा स्टॉक आईटी सेक्टर का या बड़े से बड़ा विप्रो, इन्फोसिस, टीसीएस जैसे हर एक शेयर के अंदर हमें आज की डेट में कुछ ना कुछ तेज़ी जरूर देखने को मिला। तो विप्रो के अंदर आज की डेट में करीबन 3 से 3.5% का तेज़ी, और उसके साथ साथ आज एक नया 52-week हाई भी टच कर लिया। तो दोस्तों, विप्रो की तरफ से एक बहुत बड़ा न्यूज़ भी आया है उसके साथ साथ, जो कि एडवांटेज के रूप में काम किया आज की डेट पे। तो क्या न्यूज़ है, चलिए यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। ये न्यूज़ है दोस्तों आज की डेट पे 17 अगस्त 2021, ये करीबन देख सकते हो डेट टाइम ठीक 4:45 के आसपास ये न्यूज़ पब्लिश हुआ था। तो देखिए, विप्रो टू अनाउंस विप्रो AWS लॉन्च पैड को इनोवेशन स्पेस स्टॉक एंड्स ओवर 3% हायर। तो यहाँ पे विप्रो ने एक इनोवेशन सेंटर फिर से बिल्ड कर रहा है, कहाँ पे, चलिए नीचे चल के पढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, विप्रो लिमिटेड हैज अनवील्ड द विप्रो AWS लॉन्च पैड को इनोवेशन सेंटर इन सापाओलो। सापाओलो मतलब ब्राज़ील पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, नीचे ये भी लिखा हुआ है, द सेंटर एम्पावर विप्रो ब्राज़ील इन द डेवलपमेंट एंड शो केसिंग द टेलर्ड ऑफरिंग ऑन अमेजोन वेब सर्विस AWS। तो बेसिकली यहाँ पे एक सर्विस प्रोवाइड करने के लिए, AWS सर्विस प्रोवाइड करने के लिए ये जो इनोवेशन सेंटर कंपनी ने बना रहा है। और उसके साथ साथ दोस्तों, आपको याद होगा आज से ठीक एक देर महीने पहले इन्फोसिस की तरफ से भी एक सेम टू सेम न्यूज़ आया था कि UK के अंदर इन्फोसिस ने जो ये इनोवेशन सेंटर बनाया है, रिसर्च सेंटर भी आप बोल सकते हो, वही सेम टू सेम दोस्तों विप्रो ने भी अपना जो इनोवेशन सेंटर है वो ब्राज़ील के अंदर अभी लॉन्च किया है। तो ये कहीं ना कहीं पॉजिटिव न्यूज़ है। चलिए हम शॉर्ट में बात करेंगे विप्रो के अंदर आपका क्या रणनीति हो सकता है। तो दोस्तों, आज की डेट में तेज़ी के बाद विप्रो का शेयर तो बहुत ज़्यादा आज तेज़ी देखने को मिला, और लगातार 2-3 दिन से ही तेज़ी ये देखने को मिल रहा था। तो इसका RSI इंडेक्स दोस्तों 70 का लेवल क्रॉस करके 77 के आसपास पहुंच चुका है, यानी ओवरबॉट जोन पे चल रहा है। तो आपका रणनीति यही होगा दोस्तों, चाहे आप विप्रो में कोई भी लेवल पे शेयर को बाय किया आप, तो चुपचाप यहाँ पे आप होल्ड कीजिए, कोई भी शेयर सेल करने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरी बात, यहाँ पे पोजीशन बनाने के लिए मैं आपको स्ट्रिक्टली मना करूँगा, क्योंकि शेयर थोड़ा सा हाईली ओवर वैल्यूड पे चल रहा है। तो अभी थोड़ा सा करेक्शन होने दीजिए शेयर में, जब इसी लेवल पे चल रहा था 600 के आसपास, तभी मैं आपको बताया था कि अभी यहाँ पे सपोर्ट मिल रहा है, धीरे धीरे शेयर को पिक कीजिए। जो लोग उस टाइम पर वीडियो देख के शेयर को पिक किया, आज की डेट में अच्छा खासा प्रॉफिट में है। तो आपका जो रणनीति रहेगा, अभी थोड़ा सा पेशेंसली वेट कीजिए, जब शेयर में करेक्शन होगा उसके बाद ही आप शेयर के अंदर निवेश करना। तो दोस्तों, विप्रो के बाद हम बात करेंगे डिक्सॉन टेक्नोलॉजी, एक मल्टी बैगर शेयर, ज़्यादा पुराना कंपनी नहीं है मार्केट में लिस्ट हुआ, बट आज मार्केट पॉजिटिव में जहाँ पे क्लोजिंग दिया वही डिक्सॉन टेक्नोलॉजी के अंदर हमें नेगेटिव यानी गिरावट में क्लोजिंग देता हुआ नजर आया, करीबन 1.5% के आसपास गिरावट के साथ। और लगातार डिक्सॉन के अंदर कुछ दिनों से कमजोरी देखने को मिल रहा है। तो चलिए क्या रणनीति होगा वो बाद में बताऊंगा, सबसे पहले मैं आपको न्यूज़ के ऊपर लेकर चलता हूँ। तो न्यूज़ का हेडलाइन दोस्तों आपके सामने है, देखिए, ऑर्बिक पार्टनर्स विद डिक्सॉन टेक्नोलॉजीज टू मैन्युफैक्चर द फर्स्ट 5G मिलीमीटर वेब स्मार्टफोन इन इंडिया फॉर एक्सपोर्ट टू द US, मतलब US पे एक्सपोर्ट करने के लिए यहाँ पे ऑर्बिक नाम का जो कंपनी है इसके साथ पार्टनरशिप हुआ है डिक्सॉन टेक्नोलॉजी का, किसको लेके, फर्स्ट 5G मिलीमीटर वेब स्मार्टफोन, ये पर्टिकुलर जो प्रोडक्ट है उसके ऊपर जो काम होगा यहाँ पे डिक्सॉन के साथ ये कंपनी का। तो बेसिकली कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा पॉजिटिव न्यूज़ है, क्योंकि आज की डेट पे जिस रफ्तार से हर एक देश 5G सर्विस को लेके मतलब बना रहा है, प्रोडक्ट बना रहा है, सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, तो वो कहीं ना कहीं दोस्तों मुझे लगता है कि इन फ्यूचर के लिए कंपनी बहुत ही ज़्यादा अच्छा खासा ग्रो भी कर सकता है, और साथ साथ कंपनी का शेयर के अंदर भी आपको अच्छा खासा रिटर्न मिल सकता है। अब देखिए, सबसे पहली बात, डिक्सॉन शेयर का जो ऑल टाइम हाई है आप देख सकते हो, बस ज़्यादा पुराने बात नहीं, कुछ दिन पहले ही 4,700 के ऊपर लगाया था, उसके बाद से देखिए लगातार इसके अंदर में कमजोरी, एक महीने पे करीबन 10% के आसपास हमें शेयर क्रैश होता हुआ नजर आया। हमेशा दोस्तों याद रखना, जब भी शेयर में ऐसे क्रैश हो
उसी लेवल पे आपको फ़ायदा उठाना चाहिए और धीरे धीरे बाई करना चाहिए शेयर के अंदर, बाई ऑन डिप स्टडी से। तो आपका रणनीति यही रहेगा, आपके पास अगर शेयर है चुपचाप यहाँ पे होल्ड करें, आपके पास अगर शेयर नहीं है तो इसी लेवल को दोस्तों आप मतलब मौका को गंवाना मत, ये 4000 लेवल के आसपास चल रहा है, धीरे धीरे शेयर को उठाइए बाई ऑन डिप स्ट्रेटजी से। तो दोस्तों डिक्सन के बाद हम बात करेंगे आईटी सेक्टर का और एक दिग्गज कंपनी इंफोसिस के ऊपर, बट उसके पहले अगर आपको वीडियो अभी तक अच्छा लगा समझ आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके जरूर इनकरेज करना, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है इस टाइप की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके साथ शेयर करने में। तो आज सारे आईटी सेक्टर के ऊपर हमें तेज़ी देखने को मिला, इंफोसिस ने भी आज फिर से 52 weeks हाई लगा दिया एंड 2% के आसपास तेज़ी के साथ आज इंफोसिस ने क्लोजिंग दिया। तो इंफोसिस के ऊपर क्या न्यूज़ है चलिए फटाफट कवर करते हैं दो न्यूज़, तो उसके बाद हम बात करेंगे क्या लेवल सपोर्ट निकलता है, क्या आपका रणनीति रहेगा। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो ये न्यूज़ का अपडेट है आज की डेट पे, इंफोसिस टू मेक एडिशनल इन्वेस्टमेंट ऑफ 0.45 million इन ट्राइडेस्किल इंक। तो दोस्तों बेसिकली यहाँ पे कोई बहुत बड़ा रकम की बात नहीं है, बट ये जो कंपनीज है टीडास्किल इंक, तो ये एक स्टार्टअप कंपनी है। तो इंफोसिस ने क्या कर रहा है, ये जो छोटा छोटा स्मॉल स्टार्टअप कंपनी उसके अंदर दोस्तों लगातार बेसिस के ऊपर इन्वेस्ट कर रहा है। देखिए आईटी सर्विस मेजर इंफोसिस सेड इट विल मेक एन एडिशनल इन्वेस्टमेंट ऑफ 0.45 million इन टीडास्किल इंक, टेकिंग इट्स टोटल इन्वेस्टमेंट इन द सॉफ्टवेयर डिफाइंड सर्वर टेक्नोलॉजी स्टार्टअप टू $3.45 million। मतलब इसके पहले भी इन्वेस्ट किया था ये पर्टिकुलर कंपनी के ऊपर और रिसेंटली ये कंपनी के ऊपर $0.45 million का इन्वेस्ट फिर से किया है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों ये काफ़ी पॉजिटिव न्यूज़ है, क्योंकि कंपनी का जो मैनेजमेंट है वो चाह रहा है कि जो छोटा छोटा कंपनी उसको एक्वायर करने का और जो स्टार्टअप है उसके अंदर इन्वेस्ट करने का, ताकि लॉन्ग टर्म में जब वो स्टार्टअप ग्रो करेगा तब अच्छा खासा इंफोसिस को भी प्रॉफिट मिल जाएगा। दूसरे बात दोस्तों आपको याद होगा कि इंफोसिस अभी बायबैक की पीरियड में चल रहा है, तो फिलहाल आज की डेट में भी बायबैक हुआ है और काफ़ी अच्छा खासा क्वांटिटी बायबैक किया, तो टोटल आप देख सकते हो आज ट्रेडिंग हुआ है 95 lakhs के ऊपर, जिसके अंदर में डिलीवरेबल परसेंटेज दिख रहा है 66% के हिसाब से। तो यहाँ पे बायबैक का नोटिस भी आपके सामने मैं रखता हूँ, एक्चुअली बोलूँ तो लास्ट लगातार इसके अंदर में मैनेजमेंट बायबैक करता हुआ नजर आ रहा है। तो देखिए ये 17 August का डेटा है बायबैक का, तो देखिए क्या लिखा हुआ है, टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर बॉट बैक, मतलब बायबैक ऑलरेडी कर दिया है, ये जो टोटल क्वांटिटी है ये क्वांटिटी आज के डेट में बायबैक किया। कल की डेट पे भी दोस्तों कंपनी ने यहाँ पे आप देखिए 16 August मतलब कल यस्टरडे के दिन भी बायबैक किया था, यानी लगातार बेसिस के ऊपर जब भी इंफोसिस का शेयर प्राइस में हल्का फुल्का करेक्शन या उसका जो मैक्सिमम प्राइस है 1750 ये लेवल्स के नीचे जब तक शेयर है मैनेजमेंट लगातार बायबैक कर रहा है, तो मुझे लगता है कि अभी इंफोसिस के अंदर थोड़ा सा आपको रुक जाना चाहिए, क्योंकि इंफोसिस का जो शेयर का RSI इंडेक्स दोस्तों वो हाईली ओवरबॉट जोन पे चला गया है 80 क्रॉस करके, आप देख सकते हो आपके सामने यहाँ पूरा 80 क्रॉस करके 81 के आसपास चल रहा है। तो इसी सिचुएशन में आपको बिल्कुल ही वेट करना चाहिए एंड निवेश नहीं करना चाहिए, हल्का फुल्का करेक्शन आएगा उसके बाद ही आप शेयर में निवेश करना लॉन्ग टर्म के लिए, अदरवाइज आपके पास अगर शेयर है तो यहाँ पर बिना किसी डाउट के चुपचाप होल्ड कीजिए। दोस्तों इन्फोसिस के बाद हम बात करेंगे वेदांता के ऊपर, जहाँ पे आज की डेट पे एक ही दिन के अंदर करीबन 11 से 12% की इतना भयानक गिरावट देखने को मिला, ये तो नॉर्मल गिरावट नहीं हो सकता, क्या रीज़न है चलिए एक एक करके न्यूज़ को देखते हैं। बेसिकली कोर्ट से एक यहाँ पे नोटिस भेजा है वेदांता का, तो देखिए क्या न्यूज़ का हेडलाइन, वेदांता शेयर प्राइस टैंक्स मतलब गिरा है 12% एज मद्रास हाईकोर्ट इशू नोटिस फॉर द ट्यूटीकॉर्न यूनिट। तो बेसिकली चलिए नीचे चल के क्या लिखा हुआ है थोड़ा सा शॉर्ट में पढ़ लेते हैं, वेदांता शेयर प्राइस फेल 12% इंटरडे ऑन 17 August मतलब आज की डेट पे आफ्टर द मद्रास हाई कोर्ट इशूड नोटिस ऑफ द कंपनी ऑन रेमेडिशन ऑफ कमेंडिटेड साइट्स एट ट्यूटीकॉर्न यूनिट। तो बेसिकली इस पर्टिकुलर चीज़ को लेके यहाँ पे एक नोटिस भेजा है मद्रास हाई कोर्ट ने, और उसके साथ साथ दोस्तों जो वेदांत है उसको भी रेस्पॉन्स करने के लिए आगे कुछ टाइम दिया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो आगे गिवन 5 weeks मतलब वेदांतों को क्या रेस्पॉन्स करते हैं, तो यहाँ पे आगे टाइम दिया है, अब देखना है कि वेदांता का मैनेजमेंट की तरफ से क्या रेस्पॉन्स आया था। तो अब इसके ऊपर अगर हम रणनीति की बात करें दोस्तों, मैं आपको बहुत पहले से बताया था कि मेटल सेक्टर के कंपनी से दूर रहना ही बेटर है, अदरवाइज आपको निवेश करना है तो JSW टाटा स्टील जैसे बड़े बड़े कंपनी हैं उसके अंदर आप निवेश कर सकते हो, बाकी दोस्तों आपकी डिसीजन है, क्योंकि पैसा आपके है तो फाइनल डिसीजन आपको ही लेना पड़ेगा।
तो दोस्तों नेक्स्ट हम बात करेंगे एक छोटा सा शेयर जिसका प्राइस है छोटा सा बट कंपनी काफ़ी बड़ा है, ट्राइडेंट लिमिटेड, जो कि आज की डेट पे हमें शेयर के अंदर 2 से 2.5% के आसपास गिरावट देखने को मिला। कुछ टाइम पहले अपना ऑल टाइम हाई टच किया था 22.65 रुपये, जो कि आज की डेट पे आपको अच्छा खासा डिस्काउंटेड प्राइस में भी मिल रहा है। ट्राइडेंट लिमिटेड जैसे क्वालिटी स्टॉक का शेयर लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा है, आप देख सकते हो लॉन्ग टर्म में कितना शानदार रिटर्न दिया है 4000% के ऊपर। तो बेसिकली दोस्तों इसकी तरफ से जो एक ब्रोकरेज कंपनीज है, दिग्गज ब्रोकरेज कंपनीज इंडिया के अंदर, उनके तरफ से एक टारगेट आया है। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाने चाहूँगा ये न्यूज़ का अपडेट। तो ये न्यूज़ है आज की डेट पे, सुबह का न्यूज़ है 17 अगस्त 2021। तो इंडिया का एक दिग्गज ब्रोकरेज कंपनीज जिसका ब्रोकिंग जो कि ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म भी है, मोतीलाल ओसवाल, तो मोतीलाल ओसवाल की तरफ से यहाँ पे बाइंग का रिकमेंडेशन आया है ट्राइडेंट के ऊपर, और टारगेट प्राइस जो दिया है 25 रुपये का, मतलब आज की डेट पे ये 20 रुपये के आसपास चल रहा है, 25 रुपये का टारगेट, मतलब आप कैलकुलेट करके देख सकते हो ऑलमोस्ट 25% के ही अपसाइड टारगेट दिया है। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ट्राइडेंट लिमिटेड ये टारगेट को बहुत जल्दी अचीव भी कर लेगा, क्योंकि लास्ट अगर हम बात करें 1 महीने जब से शेयर प्राइस देखिए जो 20 रुपये का लेवल क्रॉस करके ऊपर आया है, तब से लेके देखिए इस शेयर में कोई 20 रुपये के नीचे बहुत रेयर गया है। एक बार गया था देखिए 19 रुपीज़ 55 पैसे के आसपास क्लोजिंग दिया था, बट उसके बाद देखिए शेयर में लगातार तेज़ी एंड 20 रुपये के आसपास एक सॉलिड सपोर्ट मिल रहा है। तो आपको अगर निवेश करना है तो 20 रुपये के आसपास कोई बहुत बड़ा क्वांटिटी इन्वेस्ट मत करना, हाँ स्मॉल क्वांटिटी धीरे धीरे लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था आज का न्यूज़, वीडियो को यहीं पे वाइंड अप करता हूँ। वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक करके जरूर एनकरेज करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।